बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेकर आया नक्सी चॉकलेट क्रीमी वैक्स का रिव्यू। लेस पैन एंटी ऑक्सीडेंट एनर्जाइजिंग रिविटलाइजिंग नरिशिंग। तो ये काफ़ी अच्छी वैक्स है, मैंने इसे यूज़ किया है और ये एक ही बार में अच्छे से बालों को रिमूव कर देती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कुछ मेंशन है, प्रोफेशनल यूज़ ओनली, जो प्रोफेशनल है वही इसको यूज़ करें और जिनको तरीका नहीं आता वो बिल्कुल भी हरगिज़ यूज़ ना करें। वो पार्लर में जाकर किसी अच्छे वाले अच्छी ब्यूटिशन से अपनी वैक्स करवाएं, इस बात का ध्यान रखें। इस पर देख सकते हैं नो स्किन पीलिंग, नो स्किन बर्निंग, नो इरिटेशन, रिमूव टैनिंग, रिमूव स्मॉलेस्ट हेयर ग्रोथ, रिमूव डेड सेल्स, डिले हेयर ग्रोथ, लेस पैन, सिल्क फिनिश, फाइन स्प्रेडिंग दैट इज वे इफेक्टिव मॉइस्चराइजिंग स्किन एवन आफ्टर वैक्सिंग। काफ़ी अच्छा वैक्स है ये, 1000 ग्राम का जार टिन पैक है और ये फॉर्मेटेड बाय इंग्लैंड, इंग्लैंड का फॉर्मूला है, लेकिन इसको प्रोड्यूस जो किया है वो नक्सी कॉस्मेटिक पाकिस्तान में किया है। काफ़ी अच्छी वैक्स है ये, पैनलेस है और एक ही बार में अच्छे से वैक्स कर देता है, अच्छे से बालों को रिमूव कर देता है। चॉकलेट फ्लेवर में है, मैंने अपने कज़न के वैक्स की थी, काफ़ी अच्छी वैक्स हुई थी और इसमें आपको काफ़ी सारे फ्लेवर्स मिल जाएंगे नक्सी में। ये देखें इस तरह की, ये प्लास्टिक लीड है, मैंने इसे खोल लिया, ये टिन पैक ऊपर से था तो मैंने इसे खोला हुआ। ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, लाइक जैसे रीड का वैक्स है उसी तरह से। प्राइस की बात करें तो ये 1600 रुपये मार्केट प्राइस में आपको मिल जाएगी, प्राइस डिफरेंट हो सकते हैं। मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था 1600 रुपये का, लेकिन अब महंगाई हो गई है तो शायद पैसे बढ़ गए होंगे। और ये पैन लेस है, पैन बिल्कुल भी नहीं होता और यूज़ करने का तरीका भी आसान है, सिंपल है, लेकिन जो प्रोफेशनल है जिनको अच्छे से करना आता है वही इसे यूज़ करें, अदरवाइज बिल्कुल भी यूज़ ना करें। जिन लोगों की स्किन बर्न है या कट लगे हुए हैं या पिंपल्स दाने वगैरह हैं तो वो उस स्किन पर अप्लाई बिल्कुल भी ना करें। स्किन बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। आप अच्छे से पहले वॉश कर लें स्किन को, जहाँ भी आपने वैक्स करनी है, और उसको अच्छे से रिमूव करें। ऑयल नहीं होना चाहिए और स्वीटिंग नहीं होना चाहिए, अगर ऑयल होगा स्किन पर, स्वीटिंग होगी तो आपकी वैक्स अच्छे से नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो मैं इसका तरीका भी बताऊँगा, डेमो भी दूँगा कि किस तरह से करते हैं और इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊँगा। और ये ईज़िली आपको किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर या कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगी, किसी भी गिफ्ट शॉप से मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा है। और इसको यूज़ करने का तरीका सिंपल है, मैंने बता दिया है आपको, लेग्स पर करें, हैंड पर करें, आप इसे फेस पर भी कर सकते हैं, पैनलेस है। ये देखिए आप, अगर ये वैसे तो अभी ये मेल्ट है, इसकी ख़ास बात ये है कि ये इतनी जल्दी से जमती नहीं है और ये मेल्ट, अगर ये विल्फर्स जम जाती है मौसम की वजह से, ठंडा मौसम हो तो आपने एक मग में गर्म पानी करना है, उबलता हुआ पानी, उसको उस मग के अंदर रख देना है 2-3 मिनट, 2-3 मिनट बाद उसको आप वैक्स करना शुरू करें, ये अपनी असल हालत पर आ जाएगी, मेल्ट होने लग जाएगी और टेम्परेचर भी नॉर्मली रहेगा, ज़्यादा गर्म नहीं होगा और आप अच्छे से वैक्स कर सकते हैं। जब पानी ठंडा हो जाए, अगर आपको ज़रूरत है कि आप वैक्स कर रहे हो, आपकी वैक्स जम गई है, वैसे इतनी जल्दी जमती नहीं है। अभी देखें मैंने इसको मेल्ट भी नहीं किया, गर्म पानी में भी रखा, लेकिन इसका टेक्स्चर सही है। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, इसका रिज़ल्ट भी बताता हूँ, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा जा रहा है, अच्छे से काफ़ी टाइम चल जाता है। और इसको खोलने के बाद आप 2 साल तक इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेट नहीं है, लेकिन इस पर इन्होंने मेंशन किया है कि आफ्टर ओपनिंग यूज़, ये देख सकते हैं 24 मंथ, 24 महीने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, यानी 2 साल तक आप यूज़ कर सकते हैं और ये आपको काफ़ी सारे फ्लेवर मिल जाएंगे। तो चले मैं इसको करके बताता हूँ अपनी लेग्स पर, बली का बकरा मेरी लेग्स या मेरे हैंड होते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ कि किस तरह से की जाती है, किस तरह की वैक्सिंग होती है। ये छोटे से छोटे बालों को भी रिमूव कर देती है, आप देख सकते हैं मेरी लेग्स पर जो बली का बकरा है, मैं अक्सर अपने हाथ पर या लेग्स पर ही वैक्स करके दिखाता हूँ या शेविंग करके दिखाता हूँ, कोई भी इस तरह के हेयर रिमूवल प्रोडक्ट होते हैं मैं अपने लेग्स या हैंड पर ही करके दिखाता हूँ। तो ये देखें इस तरह के स्पैचुला आपको ज़रूरत पड़ेगी, इस तरह के मार्केट में मिल जाते हैं नाइफ, और अगर ये नहीं मिलता तो आपने आपके घर में स्पून होगा तो स्पून के बैक साइड वाला उसे यूज़ कर सकते हैं आप, या इस तरह के प्लास्टिक वाले स्पैचुला भी मिल जाते हैं। अगर ये कुछ भी नहीं है तो वुडन स्टिक भी मिल जाती है बाज़ार में, वो ज़्यादा बेहतर है, वो यूज़ करें और उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दें। और इस तरह के आपको वैक्सिंग पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, ये देख सकते हैं आप, ये बाज़ार में ईजिली मिल जाते हैं, काफ़ी सारे
पेपर होते हैं वैक्सिंग पेपर, इस तरह से जो काफ़ी टाइम चल जाते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप घर में भी बना सकते हैं। कोई भी कॉटन का साफ कपड़ा लें, या जीन्स जो होती है पुरानी उसके भी मैंने बनाए हुए हैं, तो जीन्स के कट करके वो कर सकते हो, उससे भी आप अच्छे से वैक्सिंग कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि आपके स्पैचुला साफ़ होने चाहिए, आपकी स्किन अच्छे से साफ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, ऑयल या पसीना नहीं होना चाहिए। तो चले मैं इसे करके दिखाता हूँ, मैंने कर दिए, लेकिन मैं आपके सामने लाइव रिजल्ट लाइव इसका डेमो दूंगा। थोड़ी सी वैक्स हमने लेनी है, मेक श्योर करें कि आपने छोटे छोटे पैचेस में ही करने हैं, ज़्यादा बड़े बड़े पैचेस में नहीं करने। इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में आपने वैक्स को अप्लाई करना है, वो ज़्यादा थिक नहीं ले अप्लाई करनी है आपने। इस तरह से आपने करना है, ये देखें, इस तरह से आपने अप्लाई कर देना है। और ये वैक्स पेपर लेना है आपने, और इस तरह से आपने इसको अपने हेयर के अपोजिट डायरेक्शन में आपने इसको अप्लाई करके और अच्छे से इसको अपने रब करना है। और आपने एक साइड से इसको अपोजिट डायरेक्शन में स्किन को आपने टाइटली यहाँ से पकड़ लेना है, लूज नहीं छोड़ना है स्किन को, वरना अच्छे से वैक्स नहीं हो पाएगी। अगर आप किसी के करें क्लाइंट की, तो क्लाइंट से कहें कि स्किन को टाइट रखें और एक हाथ से इसको अच्छे से टाइट कर लें। तो आपने अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से पुल कर देना है एक झटके से। तो ये देख सकते हैं काफ़ी सारे एक ही बार में मेरे बाल निकल के आ गए, देख सकते हैं आप। और इसने अक्सर वैक्स होती है वो कहीं बाल रह जाते हैं, और ये छोटे से छोटे बाल के लिए भी बहुत अच्छी है। देखें अच्छे से इसने बालों को मेरे रिमूव कर दिया है, ये देख सकते हैं आप, और स्किन अच्छे से क्लीन हो गई है, कोई मुझे तकलीफ़ नहीं हुई। ये पैनलेस है, अच्छी वैक्स है, और बालों को इसने तोड़ा भी नहीं है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर हेयर है और यहाँ नहीं है, और यहाँ रिज़ल्ट देखें, यहाँ पर और यहाँ जो मैंने वैक्स की है, इसने टैनिंग भी दूर की है और एक ग्लो भी आया है उसके, और अच्छी स्किन अच्छी हो गई है काफ़ी मेरी। तो ये देख सकते हैं आप, इसको हैंड पर यूज़ करें, और इसको यूज़ करने के बाद आपके हेयर काफ़ी टाइम बाद निकलते हैं, बहुत टाइम बाद निकलते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि अक्सर बालों की अगर आप यूज़ करते रहते हैं तो बाल जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। कोई भी वैक्सिंग मेथड यूज़ करते हैं इस तरह का, तो बाल जड़ से कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और बालों का खात्मा हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा इसका यूज़ रखते हैं। तो ये देखें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है, ग्लो करती है स्किन। और यूज़ करने के बाद अपने नॉर्मल टैप वाटर से इसको किसी टॉवल से क्लीन कर लेना है, और फिर उसके बाद कोई अच्छा सा बॉडी लोशन या मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना है, दैट्स इट, आपकी वैक्स होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नहीं ट्राई की बहुत अच्छी वैक्स है, मुझे तो बहुत पसंद आई ये वैक्स। ये देखिए इसका, ये करीब से दिखा देता हूँ, मेरा कैमरा इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है, आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर नहीं ट्राई की, और मेक श्योर करें कि यूज़ करने के बाद इसका लिड अच्छे से लगा दें, बंद कर दें। अगर ये जम जाती है, वैसे तो ये जमती नहीं है इतनी जल्दी, तो जैसे मैंने बताया पानी गर्म करके, बहुत उबलता हुआ पानी होना चाहिए खोलता हुआ, और उसको एक मग में रख कर इस पूरे जार को आपने रख देना है, और ये मेल्ट हो जाएगी, दो मिनट में मेल्ट हो जाएगी, और आप अच्छे से वैक्स कर सकते हैं। और मेक श्योर करें कि आपका स्पैचुला इस्तेमाल करने के बाद अच्छे से वॉश कर लें, साफ़ कर लें, ड्राई करके रखें। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।